हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वनिता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, किससे होगी आपकी शादी, आज की रीडिंग का टॉपिक है। एंड आज की रीडिंग हमारे सिंगल व्यूअर्स के लिए है। हम यहाँ पे अपने सिंगल व्यूअर्स के लिए देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो ये वाली कार्ड जो है ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वाली कार्ड जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, जिस भी ऑप्शन के आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो कार्ड के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, एक जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग में से कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट होगी और कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने कभी भी आई है इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Let's see who is your future spouse. Wow, यहाँ पे पहला कार्ड हैप्पी फैमिली का आया है, नंबर 4. This is yin and yang. And I have 2 cards. This is cornucopia, and then we have second chakra archangel Ariel. So यहाँ पे option number 1 आप लोगों के लिए आया है, second chakra archangel Ariel. ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्रिएटिविटी होगी। ये पर्सन कोई पेंटर या आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। ओके, जिस भी काम को करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मन लगा के ये पर्सन काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं एंड इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी। ओके, हो सकता है इस पर्सन को कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो या काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन म्यूज़िक के शौकीन हो सकते हैं। एंड विद दिस कार्ड सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल ये बता रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होने वाले हैं। ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड आया है, तो आप दोनों पर्सन एक दूसरे को कम्प्लीट करोगे। ठीक है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, आप दोनों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हैप्पी फैमिली बनेगी। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आपकी 2 किड्स हो आफ्टर मैरिज, एंड यहाँ पे रेनबो है, सो बता रहा है दैट आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ खुश रहने वाले हैं, पर्सन आपको बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वीकनेस है इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो सकती है एंड इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी वीकनेस हो सकती है, तो आप दोनों एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वी हैव दिस कार्ड यिन एंड यांग। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन वाटर साइन है, तो आप फायर साइन हो सकते हो, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, एंड वी हैव दिस कार्ड कॉर्नुकोपिया, तो ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी रिच है, काफ़ी वेल्दी है, ये जो भी काम करते हैं वहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा खासा अर्न करते हैं एंड ये काफ़ी वेल सेटल्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, कॉर्नुकोपिया है तो ये फिलहाल करियर में काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं, काफ़ी सक्सेस देख रहे हैं, काफ़ी ये पर्सन वेल सेटल्ड है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एंड हैप्पीनेस भी है। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नुकोपिया है ये बता रहा है कि इस पर्सन का जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये काफ़ी खुश रहते हैं अपने लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अर्न किया है, काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड हैप्पी फैमिली है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएंगे। आप दोनों की फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी फैमिली होगी, एक बैलेंस्ड फैमिली होगी। आप लोग दोनों पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाओगे
और आपको पता होगा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर्सन को पता होगा कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके आप दोनों अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ोगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के कनेक्शन के लिए नंबर 4 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन से 4 मंथ से मिल सकते हो, कुछ लोग 4 ईयर्स में इस पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, ऑप्शन नंबर 1। वी हैव डिग्निटी, ओके। नंबर 6 यहाँ पे आया है एंड यहाँ पे ब्लेसिंग है। एंड यहाँ पे हेल्प है, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। मंथ ऑफ मार्च एंड मंथ ऑफ अप्रैल भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप जैसा पर्सन चाहते हो एग्जैक्टली ये वो वैसे पर्सन होंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को यहाँ पे एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हो अपनी मैरिड लाइफ को लेके, या फिर जैसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस तरह के पर्सन को लेके, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है दैट फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू, ओके। तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए जिस तरह के पर्सन को आप चाहते हो, एंड आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आया है ब्लेसिंग का कार्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसको लेके ये पर्सन काफ़ी गॉड को ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, ठीक है। ये वो पर्सन नहीं है जो अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत कंप्लेन करते हैं। इनके पास जो भी छोटी बड़ी चीज़ें रहेंगी उस चीज़ के लिए ये गॉड को थैंक्स बोलते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। इस वजह से इनके लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है वो अट्रैक्ट होती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो काफ़ी खुश रहते हैं अपने लाइफ में, जो भी चीज़ें इनकी चारों तरफ है उसमें ये पर्सन खुशियाँ ढूंढना जानते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है इस पर्सन को गाना गाना काफ़ी पसंद है या डांस करना काफ़ी पसंद हो सकता है। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस एक आर्टिस्टिक पर्सन दिख रहे हैं। ऑल्सो एक पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है, अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, खुशियाँ कैसे बढ़ानी है, खुशियाँ कैसे ढूंढनी है, इनको बहुत अच्छे से पता है। पर्सन अपनी ब्लेसिंग को जानते हैं, इनके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग है एंड उसके ऊपर इनका फोकस रहता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन एनिमल लवर है, ओके। ये एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल्स के प्रति इनके मन में बहुत ही दया की भावना है, और हो सकता है ये पर्सन एनिमल्स की सेवा करते हो, ओके। या फिर इस पर्सन का कोई फार्म हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही। सो यहाँ पे डिग्निटी का कार्ड आया है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ कभी ना कभी इनके लाइफ में पास्ट में काफ़ी इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लेमिंग हुआ था, वर्क प्लेस पे हो या रिलेटिव्स, हो सकता है इनको काफ़ी कुछ कहते हो, कुछ सुनाते हो, ठीक है। तो ये पर्सन जानते हैं कि कैसे अपने लाइफ में जो स्ट्रगल है या इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, तो अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन रखना है इनको पता है, ठीक है। एंड इवन तो इनके अगर इस पर्सन के चारों तरफ कुछ लोग इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इनको भला बुरा कह रहे हैं, उस बीच में भी अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन रखना है, सच्चाई का कैसे साथ देना है, कैसे ऑनेस्टी के साथ रहना है, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है आपके फ्यूचर स्पाउस में। मतलब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी अगर बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट भी खड़े हैं तो ये अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले ये पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे नज़र आता है। एंड यहाँ पे हेल्प है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरह की हेल्प कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसे हो, कहीं ट्रैवलिंग करने गए हो या कुछ, हो सकता है हेल्प, तो ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो ये पर्सन किसी तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेके आएंगे एंड बैलेंस कर देंगे आपको, ठीक है। हो सकता है आप अपने लाइफ में इस टाइम पे काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हो या काफ़ी परेशान हो, तो ये पर्सन आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए किसी तरह की हेल्प करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, ठीक है। तो एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ये पर्सन बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। सो कुछ महीनों में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। लेट्स सी इस पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी एंड इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की कैसी होगी पर्सनालिटी,
We have six of Michael. It's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans. Relocation or travel. Okay. तो हो सकता है कि ये पर्सन कहीं रिलोकेट कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उस दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेके होपलेस हो रहे होगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, और जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो किसी न किसी तरह से आपको सुकून मिलेगा। हो सकता है आप बहुत होपलेस हो चुके हो कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं, या किसी तरह की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसके चलते आप काफ़ी टेंस्ड हो, देन उस सिचुएशन में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको किसी तरह की हेल्प या एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे पर्सन होने वाले, इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी अच्छा एडवाइस देते हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल होने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड Now this is 7 of Ariel. You have invested wisely, have patience and wait for the harvest. Review your progress and make plans for your next endeavor. 7 of Ariel ka card hai. And now we have decision. So ye person kafi patient hai, theek hai? ये मेहनत करते हैं और सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि फल क्या मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये काफ़ी पेशेंट होने वाले हैं और बहुत ही धैर्य के साथ मेहनत करते हैं। अपने लाइफ में इन्होंने जो भी क्रिएट किया होगा उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी मेहनत डाली होगी, तो इन्होंने जो भी अचीव किया है ये पर्सन उसमें अपनी मेहनत डालते हैं। इनको पता है बहुत सारे आइडियाज़ इस पर्सन के पास होने वाले हैं, किस टाइम पे किस काम को करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इनको बहुत अच्छे से पता होगी। और इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अपने दम पे अपनी मेहनत से क्रिएट की है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी वेल सेटल्ड पर्सन है और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है एंड पेशेंस रखते हैं, ठीक है। हो सकता है इनको सक्सेस मिली हो बट थोड़ा मेहनत करने के बाद मिली हो, थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मिली हो। सो यस, पेशेंस ये रखना जानते हैं। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इनकी जॉब या काम ऐसे हो सकती है जो बार बार इनको रिलोकेट करना पड़ता है, ठीक है। एंड इनके पास कोई पेट हो सकता है, वैसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है, तो ये इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, ओके। आपकी पर्सनैलिटी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी से, आपके अंदर या तो कोई एडिक्शन हो सकती है या ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ओके। तो ये पर्सन आपकी उस चीज़ में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आपको हो सकता है डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर किसी तरह की कोई एडिक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो वहाँ पर ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, ओके। ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी बोल्ड, साथ ही साथ पॉजिटिव रहने वाले पर्सन है, ठीक है, हर एक सिचुएशन में। तो ये आपकी उस तरह से मदद कर सकते हैं, आपकी सोच को बदलने में मदद कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। आपके अंदर भी इस पर्सन को देख के एक पॉजिटिविटी आ सकती है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या पता चलता है हमें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। यहाँ पे प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन हो सकता है किसी ग्रुप या किसी पॉलिटिकल ग्रुप या किसी तरह के ग्रुप के लीडर हो सकते हैं। इनके ऑफिस में या कहीं पर भी ये पर्सन ऐसे पोजिशन पर भी बैठे हो सकते हैं जहाँ पर ये लोगों को लीड करते हो या रास्ता शो करते हो, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी करते हैं उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ये जैसे है इनकी जैसी पर्सनालिटी है उसमें भी ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी करते हैं उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ये जैसे है इनकी जैसी पर्सनालिटी है उसमें भी ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। इनको जो भी क्वालिटीज़ मिली है ये उसको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव जॉय, तो आपको ये पर्सन काफ़ी खुशियाँ देने वाले हैं एंड
चौए का कार्ड ये भी बताता है कि ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सन है तो हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरह से हील करे या कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एंड आप दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, काफ़ी आप लोग खुशियाँ बनाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही आपके लिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आफ्टर मैरिज आप लोग दोनों बहुत खुश रहने वाले हो, काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हो, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बर्थ एंड रिबर्थ का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील होगा, आपको लगेगा कि आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वैसा फील हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे इस पर्सन को झूठ बोलना पसंद नहीं होगा, या फिर ये पर्सन झूठ बोलना पसंद नहीं करते होंगे, किसी से झूठ सुनना पसंद नहीं करते होंगे, कोई इनको ऐसी बात बोल दे जो इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, ये वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी इस पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, एंड आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, यूनिवर्स को क्या कहना है आपके रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग के, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बींग ट्रू टू योर सेल्फ एंड दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ओके, वेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। सो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस लाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी गिल्ट की भावना रहती है, ठीक है, या आप डिसीजन लेने में हिचकिचाते हो, या आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो सच होगा या सही होगा या गलत होगा, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे उस गिल्ट को रिलीज़ करने में, आप सच्चे मन से जो चाहते हो उसको पूरा करने में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपका कनेक्शन खुद के साथ बहुत कमज़ोर है, ठीक है। आप अपने मन की नहीं सुन पाते हो या फिर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको कहीं ना कोई डर रहता है कि आप लोगों के सामने सच बोलोगे तो उनको बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करना सिखा सकते हैं। आप ये हो सकता है आपको ये लगता है कि जब भी आप अपने मन की बात को किसी के सामने रखोगे तो सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, तो ये सभी चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में सीखोगे, वो इनसिक्योरिटी आपकी ख़त्म होगी और आपके मन में जो भी ट्रू फीलिंग्स है वो आप इस पर्सन के साथ एक्सप्रेस कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है, अपनी हर्ट की फीलिंग्स को बताने में या अपने ट्रू सेल्फ को किसी के सामने कनेक्ट करने में, ठीक है। आपके दिल में जो सच्ची भावना है वो हो सकता है किसी के साथ आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। पास्ट में हो सकता है आपका कोई ऐसा पर्सन आप किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे या किसी से ऐसे नहीं मिल पाए जहाँ पर आप अपने दिल की भावनाओं को एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। तो ये आपके ऐसे पर्सन होने वाले हैं, ऐसे रिलेशनशिप होने वाली है जिनके साथ आप अपने मन की सभी भावनाओं को रख सकते हो, ठीक है। इनके साथ आपका वो कनेक्शन रहने वाला है। सो चलिए अभी हम टैरो से देखते हैं और हमें क्या पता चल रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, नंबर 10। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक लेके आने वाले हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित होने वाले हो, ठीक है। सो ये मैरिज आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आप काफ़ी ज़्यादा साइकिक हो सकते हो, ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द टावर, ओके, we have the magician, and after that we have the emperor, okay। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फाइनेंस के सेक्टर से हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन काफ़ी आर्टिस्टिक हो सकते हैं। एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ में थे, वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, okay। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा, आप थोड़े होपलेस हो रहे होगे या किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी चिंतित होगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है।
ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे थे एंड वो रिलेशनशिप जब इनके लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म हो रहा होगा तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को. ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा था ये पर्सन हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं. यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है. ओके, तो इनको पता है अपनी लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, किस तरह से ये पर्सन हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में कर पाते हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है. एम्परर का कार्ड है, ठीक है. तो हर एक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर पाना वो यहाँ पे दिख रहा है. और हो सकता है आप दोनों पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो, ये पर्सन आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, वो यहाँ पे दिखता है. 4 ईयर्स का एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है. एंड विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, ये काफ़ी मदरली होने वाले हैं, ठीक है. मदरली इन द सेंस बहुत ही केयरिंग होने वाले हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है, एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है. ये पर्सन घूमने फिरने के शौकीन हो सकते हैं एंड आप इनके साथ काफ़ी हैप्पी फील करोगे अपने. हो सकता है आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो तो ये पर्सन आपकी सारी बातों को सुनेंगे, ठीक है, और इनको अच्छा लगता होगा सुनना, ठीक है. एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना विद द कार्ड ऑफ द एम्परर, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना. सो इस तरह के पर्सन आपके होने वाले हैं. एंड अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है, ठीक है. कुछ लोग के लिए यहाँ पे सैजिटेरियस भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो चलिए अभी हम चिट्स से देख लेते हैं हमें क्या पता चल रहा है. यहाँ पे 30 आया है तो ये पर्सन या आपके लिए 30 जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 30 एज हो सकती है जब आपकी शादी हो रही है इस पर्सन से. लियो, तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं. लेट्स सी, नंबर 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट. इस पर्सन का बर्थ डेट या आप लोग दिसंबर में मिल सकते हो, आपका बर्थ डेट 12 हो सकता है. नंबर 1 लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग. एंड वी हैव एक्स, एक्स से इस पर्सन का नेम हो सकता है. एंड वी हैव वी, वी से इस पर्सन का नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम. नंबर 2 यहाँ पे 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट. ओके, 12 एंड 1 2 आया है. सो यहाँ पे 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. वर्गो कैन बी इम्पॉर्टेंट. ओके, आई विल टेक 2 मोर चिट्स. लेटर एच, ठीक है, एच से नाम हो सकता है इस पर्सन का, आपका हो सकता है. वी हैव एस एंड देन वी हैव ओ, ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1. आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताया ज़रूर. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है. सो लेट स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं हमें क्या पता चलता है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखें, किस टॉपिक को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो. वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, पहला कार्ड आया है. वी हैव इंडिसीजन. वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. And then we have angel of love. So option number 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत टाइम के बाद मिलो या आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है एंड देन फिर आप इस पर्सन से मिल रहे हो जिनसे आपकी शादी हो रही है, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि बिफोर आप इस पर्सन से मिलो उससे पहले आपकी कोई एक रिलेशनशिप बने एंड फिर वो किसी वजह से आप उससे लेसन सीखो, रिलेशनशिप खत्म हो एंड देन फिर ये पर्सन आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है. तो बिफ़ोर आपकी शादी हो उससे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई और एक पर्सन आएंगे जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में रह सकते हो, देन वो ख़त्म हो रही है एंड देन फिर ये कोई नए पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन से जब आपकी 28 एज होगी या 25 से लेकर 30 के बीच में आपकी एज होगी तब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है. तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है अपने लाइफ में जब आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिल रहे हो, ठीक है. एंड उस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ आप भी अपने करियर पे फोकस हो, आप भी अपने आपको सेटल करने की कोशिश कर रहे हो एंड अपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें मुझे दिख रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों के लिए, ठीक है. तो वी हैव दिस कार्ड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने से पहले हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो एंड अपने आपको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है.
एंड यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है लाइक ये पर्सन डिसीजन लेने में थोड़ा लेट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो उस टाइम पे थोड़ा आप दोनों की दोस्ती हो रही है, आप दोनों की कनेक्शन बन रही है एंड आप दोनों जानने में एक दूसरे को सोचने में टाइम लगा रहे हो एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो समवेयर यहाँ पे ये बात समझने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा है कि आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस हो और आपके लिए भी ये सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों थोड़ा डिसीजन लेने में हो सकता है डिले कर रहे हो उस कनेक्शन को लेके एंड यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी डिवाइन कनेक्शन होने वाला है। एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन पे एंड आप दोनों थोड़ा वेट करने के बाद हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी हो एंड उस कनेक्शन को रिलीज़ करने के बाद आप दोनों का मिलना हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड जब आप लोग मिलो उससे पहले हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं आप भी और आपकी फ्यूचर स्पाउस भी एंड वो जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से पहले ऑनलाइन मिल रहे हो, ठीक है, एंड या फिर आप लोग मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिल रहे हो, कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप लोग किसी मेडिटेशन सेंटर में गए हो या योगा सेंटर में गए हो तो वहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो या जिम में मिल सकते हो उस पर्सन से, वैसा मुझे दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या पता चलता है। ये पर्सन पुलिसमैन हो सकते हैं, ओके, या फिर आर्मी में हो सकते हैं, काफ़ी ब्रेव होने वाले विद द कार्ड ऑफ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ब्रेव होने वाले। वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी विजन एंड पावर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर या तो ये पर्सन पुलिसमैन आर्मी में होंगे या तो फिर ये पर्सन लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिसनिंग है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, 33 नंबर है। वी हैव हेल्प, तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन नंबर 2 की तरह हेल्प का कार्ड आया है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले होंगे तो आपके लिए 333 नंबर काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन से 33 एज जब आपकी हो रही होगी तब आप इस पर्सन से मिलोगे। यहाँ पे इंट्यूशन है, तो जैसा कि मैंने कहा जब आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे उससे पहले आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप में रहो एंड फिर आपको इस पर्सन को ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे, हो सकता है दोस्त बन के आए या किसी तरह के किसी कनेक्शन में किसी से मिल रहे हो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू एंड आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये वही पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो या आपके फ्यूचर स्पाउस है। सो समवेयर आपकी इंट्यूशन जो है ना वो बोलेगी कि ये वही पर्सन है जिनसे आपकी शादी होनी है या यही वही पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो समवेयर इंट्यूशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके सामने जब ये पर्सन आएंगे तो आपकी इनर वॉइस जो है ना वो आपको बोलेगी कि दिस इज़ द राइट पर्सन, ठीक है, ये पर्सन राइट है आपके लिए, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव लिसनिंग, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है पहले फ्रेंडशिप हो रही है, ओके, आप लोग दोस्त बन रहे हो एंड आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को सुनना काफ़ी पसंद होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके प्रॉब्लम्स को सुन के या आपकी बातों को सुन के आपको सोल्यूशंस दे सकते हैं एंड डेफिनेटली ऐसा ये पर्सन भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके प्रॉब्लम्स को सुनो, इनकी बातों को सुनो, ठीक है। तो ये पर्सन खुद भी गुड लिसनर होंगे और ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनकी बातों को सुनो, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातें करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या पता चल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। We have give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Okay. We'll take this one. We have surrender. As times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Okay? तो यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आप भी ट्रू लव को डिज़र्व करते हो, ठीक है, एंड बहुत जल्द यूनिवर्स आपको इस ब्लेसिंग को देंगे एंड आपको थैंक्स देना है यूनिवर्स को, ठीक है। जैसे आपके लाइफ में भी ये ट्रू लव एंटर हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में एंड आपका दिल हमेशा से चाहता था ट्रू लव को, एक ट्रू कनेक्शन को,
एंड आप इसके वर्दी हो, ठीक है? लाइक आप भी डिजर्व करते हो किसी ऐसे पर्सन को जो आपको सच में प्यार करे एंड आपको समझे, ठीक है? तो ये कनेक्शन आपके लाइफ में बहुत जल्द आएगा। यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट आपकी रिलेशनशिप पहले इस पर्सन से बनने से पहले किसी एक और पर्सन से आप मिल रहे हो जिनके साथ आपकी कोई कार्मिक बॉन्डिंग हो रही है एंड उनको आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है? और फिर ये आपके लाइफ में एक न्यू कनेक्शन बन के आ रहा है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर आपके साथ ये नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगा, दैट वो पर्सन किसी कार्मिक बॉन्डिंग में है एंड उसको रिलीज कर रहे हैं एंड ये आपके लाइफ में एक नया पर्सन है जो आ रहा है, ठीक है? और इस कनेक्शन को आपको बिल्कुल सरेंडर कर देना है। हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ, जब ये पर्सन आपके सामने आए तो उस टाइम पे आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है? और ये आपके सामने फ्रेंड के रूप में है, दोस्त के रूप में है, या फिर सिर्फ आप इनको जानते पहचानते हो, बट आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बोल रही है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं हो के ये जो उनके साथ आपकी शादी होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो गाइड करेगी और उस टाइम पे आप हो सकता है किसी और कनेक्शन में रहो, ठीक है? तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है या थोड़े आप डाउट में हो सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपके लिए इनडिसीजन का कार्ड आया है कि जब आपके सामने ये पर्सन आएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको गाइड करेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कर देना है, ठीक है? और ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नए पर्सन होंगे। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव जॉय, ओमेंस एंड मैसेजेस, एंड वी हैव फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग, फाउंडेशन, नंबर 27 का कार्ड है। सो 37, नंबर 11 एंड 27 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये आपकी एज हो सकती है एंड 11 नंबर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। सो वी हैव दिस कार्ड द अर्थ फेरी। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर, डेंटिस्ट, हीलर हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिजिकल हेल्थ है तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ओके? ये पर्सन नर्स हो सकते हैं या डॉक्टर, एज आई सेड, या किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, ओके? तो इनका काम हो सकता है कि ये लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते हो, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने में काम करते हो, ओके? सो डॉक्टर भी ये पर्सन हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ओके? एंड देन वी हैव जॉय। तो आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही पॉजिटिव होगा, खुश फील करोगे। यहाँ पे जॉय का कार्ड है तो समवेयर बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए खुशियाँ बना रहे हो, खुशियाँ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? एक दूसरा पर्सन जब लो फील कर रहा है तो आप उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, आप जब लो फील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जॉय का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हैं एंड वाइस वर्सा, आप भी इस पर्सन के लाइफ में खुशियाँ लेके जा रहे हो। एंड ओमेंस एंड मैसेजेस है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होंगे, ना सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से मैसेजेस को एक्सचेंज करोगे, काफ़ी मैसेजेस पे बात करोगे, एक दूसरे की आवाज़ सुनना काफ़ी पसंद होगा और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले होंगे या जब आप काफ़ी कंफ्यूज होगे इस पर्सन को लेके, ठीक है? थोड़ा आप जब कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं, या फिर किसी बात को भी लेके कंफ्यूजन हो सकता है, इस कनेक्शन को लेके किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस दिखाए जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी इस पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। वी हैव द चैरियट, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, ओके? Page of Michael, an exciting new challenge. You have what it takes to succeed. Review contract or documents very thoroughly. We have Queen of Raphael. Ye card aa raha tha. Follow your heart, a love of home and family, trustworthy psychic information. ठीक है, ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं, काफ़ी साइकिक होने वाले हैं। यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है तो ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं और अपने आप से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, ओके? एंड यहाँ पर बताया जा रहा है विद द कार्ड ऑफ चैरियट,
इनके लाइफ में जो करियर होगा ना, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कि इनको करियर में जो सक्सेस मिलेगी वो थोड़े एज के बाद मिलेगी, 35 में मिल रही है, 37 की जब एज है तब मिल रही है, ओके, तो इनको सक्सेस मिलेगी और वो बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से पॉपुलर हो रहे हैं या इनकी सक्सेस बहुत बड़ी है, ओके, या करियर में अचानक से ग्रोथ हो रही है, बट वो आफ्टर मैरिज हो रही है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिफोर योर मैरिज ये पर्सन थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं एंड काफ़ी सेल्फ अपने ऊपर इनको कंट्रोल होगा, ठीक है, क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये सभी बातें इसको पता होंगी। एंड डिटर्मिनेशन है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी डिटर्मिंड होने वाले कि इनको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सो इस बात को लेकर ये पर्सन काफ़ी डिटर्मिंड होने वाले हैं एंड अपने करियर अपनी फ्रीडम के ऊपर में इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। पेज ऑफ माइकल का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन किसी बात को लेकर एनालिटिकल होने वाले हैं एंड हो सकता है ये पर्सन सच बोलने वाले हैं, ओके, ट्रूथफुल है एंड ब्लंट है, तो जो सच्चाई जैसी है उसको मुंह पे बोल देना वो चीज़ें रहेंगी इस पर्सन के अंदर। और बहुत ही रिसर्च करते हैं किसी बात के ऊपर, छानबीन करते हैं एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े से आपको लेके ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, थोड़े से ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आप इनको जो भी कर रहे हो वो इनको बताओ, ठीक है, वैसे इनका थोड़ा नेचर हो सकता है एंड रिसर्च करने वाले हैं, मतलब हर एक बात को छानबीन करते हैं, कोई इनको टॉपिक ऐसी पता चल गई जिसके बारे में इनको नहीं पता है तो उस चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च करने वाले हैं, बुक्स पढ़ने वाले हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ प्रोफाइल का कार्ड है तो ये पर्सन काफ़ी साइकिक हो सकते हैं, काइंड होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे एंड गिविंग होंगे, ओके, अपनी फैमिली के बारे में सोचना एंड यहाँ पे भी बुक है, इनको बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद होगा, रिसर्च करना काफ़ी पसंद होगा एंड ये पर्सन कैंसेरियन हो सकते हैं एंड काफ़ी साइकिक होंगे। इनको घर पे रहना काफ़ी पसंद हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम बिताना काफ़ी पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। सो चलिए अभी हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। वी हैव एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Wands. So यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का मिलना थोड़े एज के बाद होगा, मतलब 25 क्रॉस कर लोगे एज आपकी, तब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, 25 से 35 की एज हो रही होगी तब आप इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड आप लोग फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो हो सकते हैं, आप जेमिनी, ये पर्सन वर्गो, ऐसे हो सकता है। आप लोग इस पर्सन से मंथ ऑफ जुलाई में मिल सकते हो, मंथ ऑफ अगस्त में मिल सकते हो, ठीक है, एंड जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आफ्टर 8 मंथ्स और आफ्टर 3 ईयर्स आप लोगों की शादी होगी, ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिल रहे हो तो ये कनेक्शन बनने में टाइम लगेगा, ये लव मैरिज हो सकती है एंड वी हैव दिस कार्ड 8 ऑफ कप्स, तो आपको किसी कनेक्शन को छोड़ना पड़ सकता है और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं, ठीक है, बट आप लोगों का कनेक्शन पहले बन जाएगा, फिर उसके बाद शादी होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एंड ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होने वाले हैं, काफ़ी गुड लुकिंग होने वाले हैं, फैशनेबल होने वाले हैं एंड 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होगा, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो चाहे बात करना हो, वो चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और रहते हैं, आप लोग कहीं और रहते हो एंड फॉर सम ऑफ यू क्योंकि ये लव मैरिज होगी तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, ओके, एंड कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपकी शादी को सपोर्ट करेंगे इस पर्सन की फैमिली से, या शादी के पहले कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही है वो भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाएंगे और थोड़ा आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है एंड काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिंड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे ये पर्सन, ओके, अपनी इनका एक स्ट्रिक्ट रूटीन होगा, वो हेल्थ को लेके हो, वो जिम जाना हो, ओके, या डाइट मेंटेन करना हो, कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूटीन को ये पर्सन फॉलो करते होंगे, ओके, एंड काफ़ी साइकिक पर्सन ये होने वाले हैं। सो लेट्स सी चिट्स से हमें क्या पता चलता है आपके लिए। इस पर्सन का नाम आर से हो सकता है, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम में आर हो सकता है, नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 27 इस पर्सन की बर्थ डेट या एज हो सकती है, एरीज ये पर्सन हो सकते हैं, आप एरीज हो सकते हो एंड यहाँ पे आया है लेटर ए, ए से इस पर्सन का नाम, 19 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट
एंड यहाँ पे 31 है, एम है, तो यहाँ पे ये लेटर्स हो सकते हैं. नंबर 31 कैन बी इम्पॉर्टेंट. इस पर्सन का बर्थ डेट या एज हो सकती है. लियो हो सकते हैं ये पर्सन. एंड 22 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बर्थ डेट हो सकता है आपका इस पर्सन का. क्यू से नाम हो सकता है. देन वी हैव नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट. मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट. आप लोग मिल सकते हो या बर्थ मंथ. एंड बी आई विल टेक वन मोर वाई. ठीक है. सो ये थी रीडिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है. मुझे बताएं ज़रूर. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.